अज मोहाली पिंड मटौर विखे बाबा बाल भारती जी मंदिर समाधा विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना भंडारा बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया, जिस विच संगतां ने वध चढ़ के पहुँच के हाजिरी लगवाई। इस मौके आम आदमी पार्टी मोहाली की टीम वालों भी खास शिरकत की गई अते मंदिर कमेटी वालों सब नू सन्मानित भी किया गया। आओ वेखदे हां पूरी रिपोर्ट। मैं तरलोज सिंह बैजवान पिंड मटौर सीनियर मीत प्रधान बाबा बाल भारती वैलफेयर कमेटी रजिस्टर्ड मटौर। किस तरह का प्रोग्राम की है सर अज इत्थे जिहड़ा? इह इत्थे हर साल की तरह बाबा बाल भारती का सालाना उर्स मनाया जाता, जो जेठ के पहले एतवार को मनाया जा रहा। हर साल इसी तरह धूमधाम नाल मनाया जा रहा, सारे नगर निवासियों के सहयोग नाल, इलाका निवासियों के सहयोग नाल, ते साडे बहुत ही सत्कारयोग MLA साहब सरदार कलवंत सिंह वो भी कुछ मिनट पहला होके गए हैं। हर बारी सानू पूरा सहयोग देने, साडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हैं। अज भी आए सी, अज भी वो सानू स्पैशल पुछ के गए थे भी कोई चीज़ तुहानू लोड़ है तां सानू तुसीं दसो। सानू उन्हां ते माण है, पूरा सानू सत्कार देने जी, ते उन्हां दा भी बहुत बड़ा सहयोग है। इलाका निवासियों का साडे सरपंच साहब खड़े हैं, ठीक है जी, अवतार सिंह जी मौली बैदवान तो सारी अपनी टीम नाल आए हैं, हर साल आने इसे तरह। इन्हों का सानू बहुत बड़ा सहयोग है। सरदार कलवंत सिंह जी दे ब्रदर सरदार कुलदीप सिंह जी, होर अपने सुहाणे तो MC साहिबान RP शर्मा जी, हरसंगत जी, ते अपने अकविंदर गोसल जी, ते सारे वीर जिहड़े हैगे हैं मिठू सरपंच मौली बैदवान सारे पहुँचे हुए हैं। इन्हों का भी मैं बहुत तहे दिलों धन्यवाद करदा, क्योंकि इन्होंने भी जदों भी असीं इन्हां नूं किसी भी फंक्शन से बुलाया, इन्होंने बद चढ़ के तन मन तन नाल साडी सेवा की। अज खास की होने वाला इत्थे, अज कोई बाहरों भी बुलाए गए ने कोई? जी अज जी सब तो पहला तो जी सवेरे जिहड़ा हैगा बाबा जी का स्नान करा के उन्हां नूं वस्त्र चढ़ाए गए हैं। उस तो बाद हमन होया, हमन तो बाद साडे प्रधान जी आए MLA साहब सरदार कलवंत सिंह जी, उन्होंने सरदा के फुल भेट करे बाबा जी ने। उन्हां तो बाद हुण ये सारी अपनी MLA साहब की टीम आई है, सरपंच साहब उन्हीं आए हैं, तो हुण जिहड़ा हैगा महिला मंडल का कीर्तन है जो तुहाडे सामने हो रहा। इस तों बाद जिहड़ा हैगा अपने कलाकार हैगे इंटरनेशनल राम सिंह जी अलवेला, वो 12 to 2 तक वो हर जस गा के संगतां नूं निहाल करनगे। उस तों बाद अपने खाड़ियां की परंपरा बापू आसाराम जी ने जिहड़ी चलाई हुई है उहदे आधार ते सुहाणे तो चरण सिंह जी हैगे हैं, वो अपनी पार्टी के नाल 2:30 तो लैके 5 तक वो जिहड़ा हैगा खड़ा लाउणगे जी। हाँ जी, ये इत्थे जी पहला तो जी शिव दुआला हैगा जिहड़ा 400 पुराना मंदिर हैगा, तो बाबा जी का जिहड़ा इतिहास है, बाबा जी 12 के जिहड़े हैगे जूंदे समोगे सी इत्थे, तो फिर उन्होंने बाद उन्होंने गुरु कार्तिक महाराज जी हैं वो भी जूंदे समोए हुए हैं, दोनों दी समाधियां ने। साडे पिंड दे विच कोई गमी होवे कोई खुशी होवे, सब तो पहला इत्थे नमस्तक हो के फिर अपना जिहड़ा कार्ज है उन्हों आरंभ किया जाता। तो आस्था किस तरह की है? आस्था इत्थे इन्नी शक्ति है, अथाह शक्ति है जी, साडे इलाके दे विच कदे औले नहीं जी पए, साडे चारे पिंडां दे विच नुकसान नहीं जी होण दित्ता इन्हां बाबा जी ने। जदों पिछे करोपियां आउंदियां सी, नेरियां आउंदियां सी, बड़ा कुछ चलता सी, पर साडे पैंदा जरूर सी, मीह भी पैंदा तां औले भी पैंदे थे, पर साडे चारे पिंडां च कदे नुकसान नहीं जी इन्हां ने होण दित्ता। इन्हां दी बहुत बड़ी आदत सा, इत्थे कोई झूठी सौं नहीं खा सकता, ते इन्हां दी दस्से नहीं सकदे तुहानूं कि इन्ना महान ये होए। जद शुभ दिहाड़े ते संगत नूं किस तरह की अपील करना चाहुंदे? असीं सारे धर्मां दे जात पात तों उपर उठ के, सारियां पार्टीबाजियां तों उपर उठ के, इत्थे हर बंदा आ रहा, कांग्रेस दा, BJP दा, आम आदमी पार्टी दा, सारे आ रहे हैं, क्योंकि सांझा स्थान है सब दा, ते सारियां जिहड़ियां साडियां बरादरियां, साडा भाईचारक सांझ है जिहड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वो आ रहे ने, ठीक है, जात पात तों उपर उठ के सारे साडे सारे भरा नाल लगे हुए हैं, ते ऐसे तरह सहयोग करते हैं हर वारी पूरा। ते हुण जिहड़ा हैगा 12 तों लंगर चलेगा जलेबियां दा, ते बाकी अपना लंगर है जी। ਨਹੀਂ ਮਟੌਰ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ
प्रधान ने या कमेटी आ उन्होंने बहुत बहुत असं बधाई दें जो इन्ने व्डे जाने हरेक साल जो भी ये प्रोग्राम करते हैं ठीक है ना। तो असं इन्हों के नाल एम एल ए साहब आप आके गए तो आप भी हाजिरी भरन आए हो नहीं फिर सा प्यार है या बाबा जी की अपार कृपा। देखो तलोचन सिंह प्यार भी है तो पूरी कमेटी नाल पिंड नाल तो बाकी जेडे बाबा जी दें उत्थे तो मेरा खरा इस जगह पर तो अभी साल के सह था तो दो तीन बारी असी आए भी तो सारदा भी है सारे ये जो मंदिर है बड़ा इतिहासक मंदिर है जिम्मे साढ़े बड़े वीर तलोचन सिंह ने दसिया है बड़ा इतिहास न जुड़िया हुआ बड़ी परंपरा हैगी। जे करनी की गल करें जूं का समान धरती च कोई आम गल नहीं है ये कोई परमेश्वर की रूह होंगी है और रूहों इतने समाई होंगे ने। मैं पिंड वासियों का बड़ा धन्यवाद करदा जिन्होंने इस मंदिर की सांभ संभाल करके इस अपने पुरातन मंदिर में कायम रखा हर जो श्रद्धा नाल पिंड वासी इलाका निवासी इतने आने ने उन्हों की मनोकामना पूरी होंगी है और वो जी मनोकामना साफ सुथरी होए वो पूरी होंगी है। असी भी अज अपने बड़े वीर के सदे के स्नेह से उन्हें पीरों उन्हें समाए हुए महापुरशों नमस्कार आए हैं करना आए हैं इदा ही दाता मेहर रखे सानू इतने आने का बल तो समा दिता रहे। व्यवस्था की गल की जाए किस तरह का लगता अरेंजमेंट किस तरह? देखो असी किसी का कसूर गलती नहीं करते पर हूँ आके जब तो नवी कमेटी बनी हैगी इन्होंने बड़ी सांभ संभाल की है सरदा नाल की है ईमानदारी नाल की है जिथे ईमानदारी बस जाए उत्थे रब बस जाता है। हर जिस इंसान ने इन धार्मिक स्थानों की सांभ संभाल करी है सरदा नाल उन्होंने कभी भी परमात्मा घाटा नहीं पाता वो बढ़ते हैं फुलते हैं ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਰ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਫੇਸ 6 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਰੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। Oh,